और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। माशाल्लाह बेगम ने नाश्ते का आगाज कर दिया है अल्लाह के फजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है जी, देखें कितनी मुश्किल होती है कि रोटी को पकाते वक्त ये देखें कि अब वो बीच में गिर गई है, अब निकालने की कोशिश कर रही है, जल ना जाए। देख जल्दी आग के बीच में से निकालने की कोशिश की है, शुक्र बच गई, शुक्र बचत हो गई, यानी कि खराब नहीं हुई। बेटा आप देखें ये बात जो दिखा रही रोटी देख ले, कितनी मुश्किल होती है। अच्छा बना हुआ हो ना, अच्छा बना हुआ हो तो ये यानी किस तरह की नौबत ना आए, इस तरह की नौबत ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वल? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं है अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई ता फरमाए। और प्यारे दुनिया फानी से जो जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मफ़रूह फरमाए, दर्जात बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमीन अता करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और दुनिया और आखिरत की वर्षा को खुशी और सलामती दे। जो बीमार है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें खुसूसी सेहत से शिफा अता फरमाए, अपने फजल से अपनी रहमत से खुसूसी शिफा अता फरमाए। और जिनके यहाँ औलाद नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। आज के वीडियो का आगाज करते हैं। माशाल्लाह बेगम ने नाश्ते का आगाज कर दिया है अल्लाह के फजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है जी, देखें कितनी मुश्किल होती है कि रोटी को पकाते वक्त ये देखें कि अब वो बीच में गिर गई है, अब निकालने की कोशिश कर रही है, जल ना जाए। देख जल्दी आग के बीच में से निकालने की कोशिश की है, शुक्र बच गई, शुक्र बचत हो गई, यानी कि खराब नहीं हुई। बेटा आप देखें ये बात जो दिखा रही रोटी देख ले, कितनी मुश्किल होती है। अच्छा बना हुआ हो ना, अच्छा बना हुआ हो तो ये यानी किस तरह की नौबत ना आए, इस तरह की नौबत ना आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख शुक्र अदा करते, सलाम करो, दुआ करो इनके लिए, अल्लाह ने खुशियाँ दे, सलामी दे, राजी हो, कोई गम ना हो। ठीक है, अल्लाह ने खुशियाँ अता फरमाए, खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। ठीक है, दुआ करनी है इनके लिए खुसूसी, हर वक्त दुआ कर करो, अल्लाह इनसे राजी हो, राजी हो, खुशियाँ दे, सलामी दे, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, रिस्क दे, और जिनकी औलाद दी अल्लाह उन्हें औलाद भी अता फरमाए, औलाद भी अता फरमाए। ये देखिए आप सबके लिए दुआएं कर रही है, आप लोग आमीन कहते जाया करें, इसकी आवाज़ से आमीन कहा करें। ये हमारा बाहर का जो मंदिर है, बाहर का आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा मंदिर है हमारा, पीछे जी कच्चे बड़े हैं आपके सामने, पीछे जी कच्चे बड़े और मिट्टी वगैरह खाका घर बालोस। अभी तो जरा सर्दियाँ है, गर्मियाँ जैसी आएंगी गर्मियों के बीच में हमारे लिए मुश्किल और बढ़ती जाएंगी, और बढ़ती जाएंगी, बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि गर्मियों के बीच में मिट्टी वगैरह सारी रेत की तरह उड़ने लग जाती है और उड़ के बिस्तर पर चारपाइयों पर बढ़ती है और बहुत सारी मुश्किल है। बहरहाल अल्लाह ताला फजल करे, अपनी रहमत करे, दुआ करे अल्लाह किसी का मुताज न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के रोज तीन आदमियों को लाया जाएगा, तीन आदमियों को, उसमें एक तो आलिम दीन होगा और दूसरा सखी और तीसरा मुजाहिद होगा। आलिम दीन से पूछा जाएगा कि आपने मेरे लिए क्या किया, कहेगा क्या अल्लाह मैंने फला जगह तकरीर की और दीन की खिदमत की, मदरसे चलाए, लोग मुझसे मतलब से पूछते आते थे, मैं उनको बताता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा जी आपने लूट किया लेकिन आपने अपनी शोहरत के लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं, आपने अपनी शोहरत के लिए किया, लोग मुझे मुत्तकी कहें, परहेजगर कहें और नेक कहें और आपने अपनी तारीफों के लिए किया, लिहाजा आपका कोई अमल मेरे पास नहीं है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा इसे उल्टा मुंह घसीट कर जहन्नम में फेंक दे। दूसरा वो सखी होगा, हाँ जी आपने किया क्या, वो कहेगा कि अल्लाह के आपने जो दौलत दी मैंने तेरे रास्ते में खर्च की, सैलाब आया वहाँ खर्च किया, जलजला आया वहाँ खर्च किया और जरूरतमंदों में तकसीम किए, देता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहेगा आपने जरूर किया है, मानता हूँ जरूर किया आपने, लेकिन आपने अपनी शोहरत के लिए किया कि लोग मुझे सखी कहें, बादशाह कहें और दौलतमंद कहें, जी इसने बड़ा खर्च किया है, आपने अपनी तरीफों के पुल बांधे, मेरा नाम है दुनिया में लोगों के अंदर आम बात की जाए, फैलाई जाए, लोगों के बीच में मशहूर किया जाए मुझे, तो आपने अपनी मशहूरी अपनी शोहरत के लिए किया, लिहाजा मेरे पास कुछ नहीं,
आप इनके यहाँ एक हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका इन दाएं हाथ से जो बाएं हाथ को खबर भी ना हो, दिखाने के लिए न करे। ठीक है जी, रियाकारी गुरु तकबर आ जाता है, अल्लाह ताला बचाए और हम खर्च भी करें अल्लाह के रास्ते में और वो दे भी सही अपनी रिज़्क़ के हलाल में से, फिर हम दिखा कर दें तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए अल्लाह आप कहेगा कि आपने अपनी शोहरत के लिए किया, मेरे लिए नहीं। आपने मीडिया में खबरें छपवाई, अखबारात में, जलसों में, मुख्य जगहों पे आपका एक गीत गाया गया, यानी तारीफें की गई आपकी, आपने कहा मेरा नाम। ख्वाहिशात आपकी ये थी कि दिल से कि मेरा दुनिया में चर्चा हो, लोगों के में ये बात आम फैले कि फलां सखी है, फलां ने दौलत दी है और किसी का घर बनवा दिया है, किसी को जनाब मस्जिद बनवा दी है, किसी का बनवा दिया है, किसी की बेटी की शादी करवा दी, जो भी आफत है उसमें दे दिया। आपने अपनी शोहरत के लिए क्या, मेरे लिए नहीं। अल्लाह ताला पर हुक्म देगा कि ऐसे आदमी को नुसरत कर जहन्नम में उल्टा मुंह फेंक दो। तीसरा वो बंदा आएगा मुजाहिद, उससे मिलाया जाएगा, हाँ जी आपने कर दिया, वो भी कहेगा कि अल्लाह मैंने बहुत कताल किया, काफरों को मारा और फतवाहत हासिल की, तभी रजा के लिए मुख्तलिफ इलाके फतह किए। ठीक है जी, और हमने दुश्मन के ऊपर भारी ज़रब लगाई हर लम्हा। अल्लाह कहेगा आपने ज़रूर किया, लेकिन आपने अपनी शोहरत के लिए कि मुझे लोग बहादुर कहें, कमांडर कहें, जंगजू कहें और मेरे खौफ से डरें, फला इलाका फतह किया, मेरा नाम रोशन होना चाहिए, लिहाजा आपने भी अपने नाम के रोशन के लिए काम किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। यानी खालसतन जो भी इबादत हो अल्लाह के लिए, जो भी सदका हो अल्लाह के लिए, जो ज़कात देनी है तो अल्लाह के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए, खालसतन अल्लाह के लिए। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि ऐ मुजाहिद तूने जो कुछ भी किया अपने शोहरत के लिए किया, मेरे लिए नहीं, अपनी बहादुरी के लिए किया, अपने बड़ेपन के लिए किया कि मुझसे लोग डरे, मेरी नाम होना चाहिए जी, मेरा जो भी नाम है, यानी कि किसी का अपनी फतवा जो आपने की, जो कुछ की हो आपने अपने लिए की, मेरे लिए नहीं की। देखिए यहाँ बड़े सोचने की बात है, अल्लाह के रास्ते वो लड़ता भी है और तकलीफ़ें भी उठाता है रात दिन, और उसके बावजूद वो अगर उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरा नाम रोशन हो दुनिया में, ये मेरे फरमान नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। ठीक है जी, दुनिया में अपनी देखिए इसका एक हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स ने यानी कि सिर्फ तुम्हारे गनीमत में से वो कुछ तस्मा लिया या कुछ चादर ली, अल्लाह कभी कभी पूरी करे, तस्मा लिया या चादर ली, उसको चुराया और उसके बाद उसी में वो लड़ भी गया, लड़ा भी सही और शहीद हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैंने उसको मैं जहन्नम में जलता हुआ देख रहा हूँ, उसने माल गनीमत में से चोरी की, माल चुराया है, क्या चुराया था, चाहे वो एक तस्मा था, चाहे वो एक चादर थी, चाहे वो एक लुकमा हो। ठीक है जी, उसने यानी कि इंतज़ार नहीं किया, हो सकता है कि शायद वो के लिए नौबत भी ना थी, वो शहीद हो जाता, जैसे वो शहीद हो गया, लेकिन वो लड़कर भी शहीद भी हुआ, दुनिया फानी से भी गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने उसको मैं जहन्नम में जलता हुआ देख रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। इसलिए उस मुजाहिद को भी यही कहा जाएगा, आपने भी अपनी शोहरत के लिए किया है, मेरे लिए कुछ नहीं, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी हुक्म देगा फरिश्तों को, इससे भी उल्टा मुंह कसीद कर जहन्नम में फेंक दे। दुआ करें आप सब अल्लाह ताला ऐसी नौबत से बचाए, ऐसी नौबत से बचाए, गुरु तकबर से बचाए, अना और खुदगर्जियों से बचाए, रियाकारी गुरु तकबर से बचाए, दिखावे से बचाए, दिखावे से बचाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से अपनी रहमत से हम सबको ढांप ले, हम सबको ढांप ले। ये छोटी रोटी बना के दे रही है बेटी को जी, बेटी को माशाल्लाह, मैं तो मैं होती ना बच्चों के छोटे के सबसे बर्दाश्त करने पड़ते हैं सबके, और बच्ची की ख्वाहिश थी कि मुझे छोटी बना कर दो, खुद बनाई है माशाल्लाह, मैं तो बात कर रहा था, खुद उसने बनाई है, खुद बनाई है। देखे एक और उसको दे रही थी, ये और भी बनाए, और भी बनाए, वो देखे बना रही है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारी बिल्ली देखे ये आपके सामने इधर आके वो अकड़ ले रही थी और यहाँ बैठ जाती है, देखो सुकून से बैठी है वो, सुकून से
इधर बर्तन पड़ रहे हैं, वरना बिल्ली ये जो जानवर है झपट कर पड़ते हैं कि जी मैं ये यहाँ से चीज उठा लो, यहाँ से ये चीज उठा लो, यहाँ से ये चीज उठा लो, खाने के लिए तो झपटते हैं ना जानवर लेकर। उधर देखे जी माशाल्लाह मेरी बेटी पाप ऐसा इधर करो ना, इधर बताओ ना बना रही हूँ माशाल्लाह। अल्लाह तआला इनको नेक करे, इनके नसीब अच्छे करे, इनके नसीब अच्छे करे। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे। बाकी दुआ में याद रखना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।